आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर उसका क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है, जिसको सी डैक ने बनाया था और 1990 ईस्वी में। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, जो 1976 ईस्वी में क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था। आईसी चिप किससे बनी होती है? आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना बूटिंग कहलाता है, और बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। अब बूटिंग किसे कहते हैं? कंप्यूटर के स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बूटिंग कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाकले ने किया था। आईसी का आविष्कार जेएस किल्वी ने किया था। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। ये आपके पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है उसे हम संलग्न या अटैचमेंट कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। वेबसाइट का मेन पेज होम पेज कहलाता है। एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है? तो 0 और 1 के रूप में संरक्षित रहता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। प्रथम गणना यंत्र अबैकस को कहते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और प्रोग्राम में जो एरर होता है उसको हम बग कहते हैं, और उसको ठीक करना डीबग कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस हो जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो जाएगा। ओएस का एग्जाम्पल विंडोज हो जाएगा, डॉस हो जाएगा, मैक हो जाएगा, और यूनिक्स लिनक्स हो जाएंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 होते हैं, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। मेल से संबंधित कुछ टॉपिक है यहाँ पे देख लीजिए। जैसे इनबॉक्स में कौन सी मेल स्टोर होती है? तो इनबॉक्स में प्राप्त मेल स्टोर होती है। स्पैम मेल किसे कहते हैं? स्पैम में अनवांटेड मेल स्टोर होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ड्रॉप्ट में अनकम्प्लीटेड मेल स्टोर होती है, और ट्रैश में डिलीटेड मेल स्टोर होती है, और सेंट में सेंड की हुई मेल स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे ये एग्जाम्पल हो जाएगा www.ions.in, ये URL का एग्जाम्पल हो जाएगा। HLL का पूरा नाम होगा हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हो जाएंगे फोरट्रॉन, और फोरट्रॉन का पूरा नाम हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन, और दूसरा हाई लेवल का दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कोबोल, और इसका पूरा नाम हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं। बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है। भारत में इंटरनेट प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था। वेब पेज का संग्रह वेबसाइट कहलाता है। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन, और पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने ही भेजा था। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। गूगल की खोज लैरी पेज ने किया था, और कंप्यूटर को बंद करना शटडाउन कहलाता है।